जय हिंद दोस्तों। वो आरओपी टू एरियर पर सरकार का डबल गेम, बता दे कि ब्रेकिंग न्यूज है, ऐसा हुआ तो एरियर मिलने में हो सकती है देरी। ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई को लगभग एरियर बराबर मिलने जा रहा है, लेकिन बेसिक पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी होगी ओआरओपी टू लागू होने के बाद। एक्स ग्रुप की ओआरओपी टेबल का एरियर जो मिलेगा वो ओआरओपी टेबल कैसी होगी, एक टेबल बनाई है जिसको मैं जस्ट आपको शेयर करूंगा और बताऊंगा कि ओआरओपी टू में एक्स ग्रुप की कितनी एरियर बनेगा और कितना उनको बेसिक पेंशन में उनको फायदा होगा। सबसे पहले तो इन खबरों की बात करें उससे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज है, वो बता दें कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक लेख छापा था जिसमें उन्होंने कहा था कि सीबीआई अरेस्ट थ्री आर्मी ऑफिशियल्स फॉर ब्रेवरी, यानी कि ये खबर छापी थी तो एडीजीपीआई इंडियन आर्मी ने इस खबर को बताया है मिसलीडिंग, और उन्होंने कहा है कि ये जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने आर्टिकल छापा है ये आर्टिकल एक एरर है और इसमें फ्यूचर में ऐसी गलती ना हो, क्योंकि कई लोग ऐसे आर्टिकल छाप देते हैं जिसमें आर्मी का नाम जुड़ा हो, आर्मी को बदनाम करने में उनको काफी अच्छा लगता है, इसलिए ऐसे आर्टिकल में तुरंत आर्मी का नाम छाप देते हैं। तो एडीजीपीआई ने कहा है कि ये न्यूज बिल्कुल गलत है और मिसलीडिंग न्यूज है, इसमें टाइम्स ऑफ इंडिया इस आर्टिकल पर एक्शन ले, नहीं तो इस पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। दूसरी बड़ी मेन खबर है ओआरओपी टू रिवीजन एक्स ग्रुप का कितना एरियर बनेगा। अभी तक आपने देखा है जो भी एरियर टेबल आई है सरकार ने जारी की है उसमें सिर्फ वाई ग्रुप की कुछ रैंकों का एरियर दिया हुआ है, लेकिन एक्स ग्रुप का कितना बनेगा बता दें कि एक्स ग्रुप जो एरियर बनेगा एक्स ग्रुप के पेंशनर्स को एरियर में तो ज्यादा इजाफा नहीं है, लगभग उतने ही एरियर मिलने वाला है, लेकिन उनको फायदा किसमें होगा, एरियर टेबल में जब उनकी बेसिक पेंशन में बम्पर इजाफा होगा। तो बम्पर इजाफा होने जा रहा है, एरियर टेबल जानने के लिए आपको नेक्स्ट आज शाम को वो वीडियो अपलोड होगा, उस वीडियो को देखना पड़ेगा। उस वीडियो में मैं सारी जानकारी दूंगा कि एक्स सर्विसमैन का एरियर बेसिक पेंशन में कितना इजाफा होगा और एरियर में कितना चेंजमेंट होगा, अप्रोक्स सेम एरियर मिल रहा है एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप का, लेकिन बेसिक पेंशन में काफी बढ़ोतरी हो रही है। दूसरी बड़ी खबर है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके लिए जो जिनको एरियर देगी वो होंगे 30/6/2019 से पहले पहले रिटायर होने वाले सभी पेंशनर्स को, यानी कि वन रैंक वन पेंशन टू जो ओआरओपी टू रिवीजन है उसमें सिर्फ 30/6/2019 से पहले वालों को फायदा होगा, उनको ही एरियर मिलेगा। दूसरी बड़ी खबर इसमें बता दें कि इसमें जो पैसा खर्च होगा 23,638 करोड़ खर्च होगा, जो कि 30 जून 2022 तक का ही आंकड़ा दिया हुआ है। अभी ये बता दें कि एरियर ये डिले क्यों हो सकता है, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 3 महीने के टाइम एक्सटेंशन की भी अर्जी दी थी जिसमें कि उन्होंने अभी तक विड्रॉल नहीं किया है, हालांकि इस पे अप्रूवल मिल चुका है ओआरओपी रिवीजन को लागू करने का, लेकिन अभी तक इन्होंने 3 महीने का एक्सटेंशन पर विड्रॉल नहीं किया है अपना। 3 महीने एक्सटेंशन का, 3 महीने एक्सटेंशन पर कोर्ट की आज सुनवाई है और आज अगर फैसला सरकार के पक्ष में आता है तो ये ध्यान रखें कि ओआरओपी एरियर का भुगतान बढ़ सकता है, लेकिन अगर एक्सटेंशन गवर्नमेंट को नहीं मिला तो उनको जल्द ही इसका भुगतान करना पड़ेगा। तो एक्सटेंशन पर क्या आज खबर आएगी उस पर आपको अपडेट करता रहूंगा। बता दें कि ओआरओपी टू एरियर 3 महीने के एक्सटेंशन और ओआरओपी अप्रूव कैबिनेट की होने पर क्यों ऐसा सरकार ने किया कि 3 महीने का एक्सटेंशन भी डाल दिया और अप्रूव भी करना पड़ा उनको। तो अप्रूव इसलिए करना पड़ा कि सुप्रीम कोर्ट से उनके लिए बहुत ही बुरी खबर आने वाली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अब एक्सटेंशन देने के मूड में नहीं है। बता दें कि अगर इसमें 3 महीने का एक्सटेंशन जबकि सुप्रीम कोर्ट देने के मूड में नहीं है इसीलिए इन्होंने अप्रूव कर दिया, और बता दें अगर इन्होंने विड्रॉल भी नहीं किया है, अगर विड्रॉल कर लेते तो इनको अभी देना पड़ता, अगर सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने का एक्सटेंशन दे दिया तो ये समझ लो कि आपको और भी इंतजार करना पड़ेगा। सरकार भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार कर रही है कि अगर 3 महीने का एक्सटेंशन मिल जाता है तो इनको मौका मिल जाएगा 3 महीने का एरियर भुगतान करने का। तो
ये थी जानकारी इस वीडियो में, इतना ही। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करके रखें, जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू, जय हिंद।